गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इससे की पहले इससे जो पहले वीडियो मैंने बनाई है उसमें हमने पढ़ लिया है अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उनके उपयोग। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ना है आवर्धन क्या है और गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु या बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, कौन से दर्पण के लिए माइनस में आती है, कौन से दर्पण के लिए प्लस में आती है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। हम पढ़ चुके हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आर, वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं। ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी उसको बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। वस्तु या बिंब, वस्तु कोई बिंब बोलते हैं। अगर वस्तु दर्पण के इस साइड रखी, वैसे तो वस्तु हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, इस साइड, बाएं साइड में वस्तु को हमेशा रखा जाता है। जितनी भी दूरियां हैं हम ध्रुव से मेजर करते हैं, यहां से मापेंगे सारी दूरियों को। जैसे यहां से ये मुख्य फोकस तक ये दूरी माप ली, या इधर अगर फोकस आता है इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए, तो यहीं से मापेंगे हम। अब वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी तो एक ही बात है, वस्तु की दूरी को हम U से दिखाते हैं। जो भी दूरियां ध्रुव से लेफ्ट साइड में मापी जाएंगी वो हमेशा माइनस में ली जाएगी, माइनस में। या ये बोल सकते हैं जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो लेफ्ट साइड या बाएं साइड से, हम मानते हैं कि बाएं साइड से आती है। अगर दूरियों को किरणों की दिशा में मापा जाएगा, जिस साइड में किरणें आती है उसी दिशा में अगर मापा जाएगा तो उनको हम पॉजिटिव में लेंगे, और अगर किसी दूरी को किरणों की दिशा के विपरीत मापा जाएगा तो उनको माइनस में लेंगे। जैसे देखो, ध्रुव से इस साइड किरणें इस साइड से इस साइड गई है और हमने दूरी को मापा है ध्रुव से इस साइड, तो माइनस में। मतलब वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी जिसको हम U से दिखाते हैं हमेशा माइनस में ही आएगी, ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम स्मॉल v से दिखाएंगे, स्मॉल v से। अब ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। कैसे? देखो, जो अवतल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो लेफ्ट साइड में ही बनते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। और एक स्थिति ऐसी थी जिसमें प्रतिबिंब राइट साइड में भी बनता है, जो कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब है अगर हम प्रतिबिंब इस साइड बना है तो प्रतिबिंब की दूरी इस साइड मापेंगे तो वो तो माइनस में आएगी, और यहाँ से अगर इस साइड मापेंगे तो वो प्लस में आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, और उसको हम वी से दिखाएंगे, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस इस साइड लेफ्ट साइड में है, देखो इसी साइड है, तो इसकी फोकस दूरी को हम इसी साइड मेजर करते हैं, इस साइड मापेंगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव माइनस में ही आएगी, सदैव माइनस में आती होगी, ठीक है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण तो ऐसा होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, इसका मुख्य फोकस इस साइड है, यहाँ इसका ध्रुव है, तो इसकी फोकस दूरी तो ध्रुव से यहाँ तक है, ये इसकी फोकस दूरी है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव आएगी, हमेशा ही प्लस में आती है, तो हम उसको प्लस में लिखें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को प्लस में लिखा जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को माइनस में लिखा जाएगा। वस्तु की दूरी सदैव माइनस में लिखी जाएगी,
मतलब वस्तु ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी हुई है, मान लो 10 सेंटीमीटर रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर रखी हुई है, तो उसको हमेशा -10 सेंटीमीटर या -20 सेंटीमीटर ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात। अब हमें पता है उत्तल दर्पण सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये पढ़ चुके हैं। इसमें प्रतिबिंब इसी साइड बनता है, राइट साइड में, और आभासी बनता है और छोटा बनता है। तो अगर प्रतिबिंब इसी साइड बनेगा तो ध्रुव से इस साइड प्रतिबिंब की दूरी को मापा जाता है उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी सदैव प्लस में आएगी। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी सदैव प्लस में होती है। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखने योग्य है। मतलब कुछ तो ऐसी है जो फिक्स है, जो कभी नहीं बदलती। जैसे वस्तु की दूरी सदैव माइनस में ही आएगी। दूसरा, उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी सदैव प्लस में ही आएगी, कभी माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, इतनी सी बात। अब कुछ बातें देखो, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी थी जहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें मैंने बताया भी था यहाँ पीछे बनेगा और सीधा बनता है। इसमें उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सारे आभासी होते हैं और सीधे ही बनते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये भी याद कर लो या रट्टा मार लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा ही बनता है। इसमें हमें पढ़ लिया कि इसी साइड जो प्रतिबिंब बने थे देखो नीचे बने थे ऐसे, तो नीचे अगर बना है देखो ये मुख्य अक्ष, इसके नीचे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा होता है, अगर इसके ऊपर बनता है तो वो सीधा होता है। अब एक बात याद रखना, अगर प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है ऐसे ऊपर बना तो हम उसको प्लस में लेते हैं, उसकी ऊंचाई को प्लस में लेंगे। अगर प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उसकी ऊंचाई को माइनस में लिया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश इससे दिखाएंगे और वस्तु की ऊंचाई को h इससे दिखाएंगे। ठीक है, वस्तु तो हमेशा सीधी रखी जाती है इस साइड, ऐसा तो है नहीं वस्तु को उल्टा रख दिया, वस्तु तो हमेशा सीधी रखी जाती है, इसलिए h हमेशा प्लस में ही आता है। h डैश ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए h डैश मतलब उल्टा बनेगा तो एच डैश माइनस में होगा हमेशा, इसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसके लिए एच डैश हमेशा प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखनी है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी सदैव प्लस में होती है, याद रखना उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी सदैव प्लस में होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी सदैव ही प्लस में आती है। ठीक, ये याद रखने, ये कुछ बातें याद रखनी है। अब आगे हम पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र देखो, कोई प्रतिबिंब छोटा बनता है कि बड़ा बनता है ये निर्भर करता है वस्तु की स्थिति पे, कि वस्तु दर्पण के सामने कहाँ पे रखी हुई है। ये हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था कि वस्तु अवतल दर्पण के सामने अगर अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, पॉइंट साइज का बनता है। उससे अगर प्रतिबिंब अगर वस्तु सी पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी सी पे ही बनता है और समान साइज का बनता है। कहने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा ये निर्भर करेगा वस्तु की स्थिति पे, कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। लेकिन प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब का साइज ये हम ज्ञात कर सकते हैं इससे, आवर्धन से। ठीक है, आवर्धन बाद में पढ़ेंगे, हम दर्पण सूत्र की बात करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र
दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताता है। मतलब दर्पण सूत्र वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है यह हमें बताता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ। यहां पे वी क्या है हमें पता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है, बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु, बिंब की दूरी। एफ क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है भाई, ये याद रखना दर्पण सूत्र। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आवर्धन। आवर्धन जैसे कि मैंने बताया, कोई प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है वो निर्भर करेगा वस्तु की स्थिति पे कि वस्तु रखी कहां पे है। लेकिन प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं किससे, आवर्धन से। आवर्धन क्या है, आवर्धन प्रतिबिंब का साइज या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। और इसको m से दिखाते हैं, m बराबर h डैश बटे h। h डैश हमें पता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की जो हाइट होती है। और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई। अब एक बात हमें पता है, क्या पता है कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब उसमें प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। तो H डैश सदैव प्लस में ही आएगा, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और H तो सदैव प्लस में होता ही है, ये तो हमें पता है क्योंकि वस्तु को हमेशा सीधी रखी जाती है। तो उत्तल दर्पण के लिए H डैश प्लस में है और H भी प्लस में ही है। तो m का मान, m का मान उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, कई बार प्रश्न में वो पूछेगा कि किस प्रकार का दर्पण है, अगर उत्तर में आवर्धन का मान प्लस में आ जाए तो समझ लो वो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। लेकिन अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण में जो एच डैश है मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो माइनस में भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और आभासी भी बनता है। वास्तविक जो बनेगा वो तो उल्टा ही बनेगा, तो उसके लिए तो एच डैश माइनस में ही होएगा। ठीक है, और एच तो सदैव प्लस में ही है, ये बात याद रखना। अब देखने वाली बात क्या है, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उसमें प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो उल्टा बनेगा तो एच डैश माइनस में आएगा। तो m अगर एच डैश माइनस में है तो माइनस में आएगा, और h प्लस में है इसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m हमेशा माइनस में आएगा, याद रखना। तो अगर प्रश्न में m का मान माइनस में आ जाए तो समझ लो वो दर्पण, सॉरी प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान सदैव माइनस में आएगा, और आभासी प्रतिबिंब के लिए, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है ये पहले बता चुका हूँ, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान सदैव प्लस में आता है। मतलब ये भी रट लेने वाली बात है, आवर्धन हमेशा ही प्लस में किसके लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए। आवर्धन हमेशा ही माइनस में किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, इतनी सी बात। अब आगे हम आवर्धन से ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है। कैसे, देखो
आवर्धन का सूत्र है m बराबर h डैश बटे h। अब अगर m का मान एक से अधिक आ जाए, एक से अधिक, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर की वैल्यू नीचे वाले से अधिक होगी तभी एक से अधिक मान आएगा। अगर इस h डैश का मान h से ज़्यादा होएगा तभी m का मान एक से अधिक आ सकता है, ठीक है ना। तो m का मान अगर एक से अधिक है तो समझ लो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से अधिक है। अगर m का मान एक से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु के साइज से छोटा है। अगर m का मान बिल्कुल एक के बराबर आ जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब का साइज दोनों के लिए दोनों का समान होगा, ठीक है। अब बात याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है और आभासी प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। सुन, ये गड़बड़ होगी नहीं यहाँ पे। वास्तविक प्रतिबिंब जरूरी नहीं है कि वस्तु से छोटा ही हो, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और आभासी प्रतिबिंब भी वस्तु से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन है। मैं ये बता रहा था, अगर आवर्धन का मान एक है तो समझ लो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान साइज के हैं। m का मान समतल दर्पण के लिए सदैव एक होता है, ये बात याद रखना, एक होता है। आवर्धन का मान समतल दर्पण के लिए सदैव एक होता है, ठीक है। m का मान उत्तल दर्पण के लिए सदैव एक से कम होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। समतल दर्पण के लिए m का मान सदैव एक होता है, उत्तल दर्पण के लिए m का मान सदैव एक से कम होता है। इसका मतलब क्या है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के साइज के बराबर ही बनता है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान वो एक से अधिक भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये आज के लिए इतना ही। देखो, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ वीडियो देखने से काम चल जाएगा या समझ में आ जाएगा, बातें तब तक समझ में नहीं आई। इधर सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, किताबें उठानी है, कॉपी पेन लेके खुद चीज़ों को सोल्व करना है, लिख के देखना है, तभी कोई चीज़ समझ में आती है। सिर्फ वीडियो देखने से कभी कोई चीज़ पूरी तरह समझ में नहीं आती। इसमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, प्रैक्टिस हमेशा बुक से ही करनी है, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में करेंगे। थैंक यू।